हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। सो एज यू नो कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग की जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग की डेट थी वो अनाउंस हो चुकी थी और कल से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आप चॉइस फिलिंग जो है यहाँ पर देख रहे हैं, डीजीएमए की तरफ से कल एक नोटिस रिलीज हुआ था। मैंने आपको टेक्स्ट के जरिए इन्फॉर्म कर दिया था, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं आज आपको वीडियो की से जरिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो आपकी कल से लेकर यानी एक से लेकर आप एक बजे से कल एक बजे से आप 5 तारीख के 2 बजे तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस लॉग भी कर सकते हैं। इट मींस एंड आपका जो रिजल्ट है वो आपका 7 या फिर 8 दिसंबर को अनाउंस होगा और आपका जो आवंटन पद यानी कि अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन लेने की जो डेट है वो 9 से लेकर 13 दिसंबर तक रहेगी। तो जैसे कि आप ये नोटिस आपको पहले भी पता चल चुका होगा और आपको अच्छे से खबर होगी, तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं इस टाइम मैं चाहता हूँ nursing.upsdc.nic.in वेबसाइट पर, जिसकी लिंक मैं वेबसाइट पर कैसे जाना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डायरेक्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो मैं आ चुका हूँ यूपी नर्सिंग की वेबसाइट पर, जिस पर आपने पहले भी फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग की होगी, आपको पता होगा। तो इस पर आपको अब इस टाइम क्या करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा कि काउंसलिंग, एक ऑप्शन शो हो रहा होगा यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सेकेंड नंबर पर चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे। चॉइस फिलिंग पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स आप अपना कोर्स फिल कीजिए, सेलेक्ट आप करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स फिल करेंगे, आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे एंड देन पासवर्ड जो आपने पासवर्ड बनाया होगा। अगर आप पासवर्ड आपको अच्छे से नोट करके रखना चाहिए तो अच्छी बात, नहीं नोट करना तो पासवर्ड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कैप्चा दिया, कैप्चा फिल करेंगे, जैसे कि मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। सो मैंने सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं। अब आप यहाँ पर नीचे स्टार्ट करेंगे, नीचे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका लॉगिन बाय नेम आपका शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है चॉइस अवेलेबल पर, चॉइस अवेलेबल ऑप्शन पर, क्योंकि आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर शो हो रहा होगा कि चॉइस अनलॉक्ड स्टेटस शो हो रहा होगा, टोटल चॉइस 0 शो हो रहा होगा अगर आपने अभी तक पहली बार लॉगिन किया होगा। तो उसके बाद चॉइस अवेलेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो जो चॉइस आपके पास अवेलेबल होगी वो आपको नीचे शो होने लगेगी। आप देख सकते हैं कि टोटल जो चॉइस अवेलेबल वो कितनी है, टोटल आपके पास 242 चॉइस अवेलेबल है, मतलब कि आप देख सकते हैं टोटल सीट्स कितनी, ये देखिए आप देख सकते हैं आपके लिए क्या क्या चॉइस अवेलेबल है, 66, 25, 37 सारी चॉइस शो हो रही हैं। टोटल कितने हैं, 242 शो हो रहा है यहाँ पर। सो अब मैं दिखा देता हूँ आप कैसे चॉइस सबमिट करेंगे, चॉइस कैसे आपको सबमिट करना है। चॉइस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चॉइस सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बाय चॉइस सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि कौन से, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट से कंफ्यूज है, आप इंस्टीट्यूट वाइज कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज चॉइस सेलेक्ट करना। तो उसके बाद यहाँ से आपको डायरेक्ट आप जो प्रेफरेंस रखना चाहे, प्रेफरेंस कैसे रखनी है इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको कैसे चॉइस में प्रेफरेंस रखनी है आप वो वीडियो ज़रूर पहले देख लीजिएगा, चॉइस लॉक करने से पहले और चॉइस सबमिट करने से पहले। ओके, चॉइस सेव करने से पहले और लॉक करने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से कॉलेज को आप कैसे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस में रखना। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, आप सेव और कंटिन्यू कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने एक GSVM सेलेक्ट करा, यहाँ पर मेरा शो होने लगा और यहाँ पर से आप क्या कर देंगे, सेव एंड कॉन्टिन्यू कर देंगे। ये जो सेव एंड कॉन्टिन्यू ऑप्शन आ रहा है आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप एक एक चॉइस सेलेक्ट करते रहेंगे और सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन सेव ज़रूर करना है, वरना आप दोबारा जब लॉगिन करेंगे तो आपकी ये सारी सेव चॉइस चली जाएंगी। फिर कोई भी चॉइस आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप चॉइस डिलीशन ऑप्शन पर जाकर चॉइस डिलीट कर सकते हैं। अब चॉइस लॉक कैसे करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लॉक चॉइसेस, इस पर आप क्लिक करेंगे लॉक चॉइसेस ऑप्शन पर और नीचे अभी दिखा रहा होगा आपको कैंडिडेट आर। सो फिर उसके बाद ऑप्शन आएगा, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस या फिर आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। तो मेरे ख्याल से अभी आप चॉइस सेव कर लीजिए, लेकिन लॉक मत कीजिएगा, आप थोड़ा और अच्छा माइंडसेट करके लॉक कीजिए, क्योंकि चॉइस लॉक करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपने फुल डिसीजन ले लिया है तो आप आई एग्री टू चॉइस माई लाइक आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको शो होगा ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस। उसके बाद आपको
उसके बाद आपको एक इंटर योर पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड बनाया था उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और एंटर करने के बाद आपको यस प्लीज़ लॉग आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और याद रखिएगा, ये करने के बाद आप अपनी चॉइस नहीं लॉक कर सकते, और चॉइस लॉक करने के बाद आपको ऑप्शन शो होगा यू हैव फेल्ड टोटल चॉइसेस लॉग, और आपका चॉइस लॉग्ड स्टेटस दिखा दिया जाएगा कि आपकी चॉइस जो है लॉग्ड है, आपको शो हो रहा होगा योर चॉइसेस लॉकिंग स्टेटस इज चॉइस लॉग्ड। बैक आप कर आकर बैक भी देख सकते हैं, टोटल चॉइसेस फील्ड 6 एंड चॉइस लॉकिंग स्टेटस चॉइस लॉग्ड। तो आप समझ गए होंगे कि क्या प्रोसीजर है पूरा चॉइस लॉकिंग का। सो आई थिंक आप टोटली सब कुछ समझ गए होंगे अच्छे से। तो आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो थैंक यू।